आज कुछ ज़्यादा ही लेट उठ गया मैं, बहुत घोड़े बेच के सोया हूँ क्योंकि कल से थोड़ा सा तबीयत नासार लग रही थी अपनी। और कुछ नहीं, सर दर्द और बदन दर्द, एग्जॉशन है बोलते हैं उसको, एग्जॉशन हो गया था एक्चुअली। और एग्जॉशन के कारण बहुत ज़्यादा सर दर्द देने लगा मुझे और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया सिर्फ सोने में और ठीक होने में और दवा खा के लेटने में। फिर भी अपन ने जिम मिस नहीं किया, दोनों टाइम गए। और मेरा हर सुबह का रिचुअल रहता है कि सुबह उठो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो करो, फिर उसका मील खा के फिर अपन जिम जिम को चले जाते हैं। पर आज नहीं हो पाया, आज जिम में करना पड़ेगा कार्डियो। कोई नहीं, शाम में या तो रात में करेंगे क्योंकि अभी कार्डियो बढ़ जाएगा। बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि मेरा प्रेप सीरीज स्टार्ट होगा और ये प्रेप सीरीज का पहला एपिसोड, और ये मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे सर ने खुद ने सरप्राइज दे दिया। ऐसे ही बात चल रही थी तो सब लोग डेट्स कुछ देख रहे थे, तो मैं बाजू में बैठा था, तो सीधा घूमते हैं बोलते हैं 9 तारीख को अपन खेल रहे हैं। मैं ऐ 9 तारीख, मतलब दिसंबर 25-26 ऐसा कुछ बोला था। बोला नहीं 9 तारीख को खेलेंगे, 9 तारीख को एक आ रहा है। बोला रेडी कैसे होगा? वो अपन देख लेंगे, जितना भी होगा हो जाएगा, तुमको सिर्फ स्टेज पे चढ़ना है, एक्सपीरियंस लेना है। और आज है 30 तारीख, 10 दिन बचे, 10 दिन में बस प्रेप करना है 10 दिन का और स्टेज पे उतरना है। तो ये 10 दिन कैसे जाएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और 10 दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या मील खाने वाला हूँ और कैसी ट्रेनिंग होने वाली है, सब कुछ। फिलहाल ज़रा कॉफ़ी मारता हूँ, ज़रा फ्रेश होता हूँ, आँखें अभी भी बंद हो रही है। ज़रा नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, गर्म गर्म पानी नहाया हूँ क्योंकि अचानक से मुंबई में सर्दी चालू हो चुकी है और ठंडी लग रही है, उसकी वजह से शायद बीमार हो गया, पता नहीं। जैसे वेदर चेंज होता है ना, मैं बीमार होता ही होता हूँ। अभी आज सर ने मुझे बताया नहीं कि अभी से आज बताने वाले एक्चुअली कि डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। फिलहाल अभी अपन वही रखेंगे सुबह का जो नाश्ता है, ये जो भी मैं खाने वाला हूँ ये मेरा एकदम फर्स्ट मील होता है। टाइम के हिसाब से अभी मेरा दूसरा मील हो जाना चाहिए था, बट मैं पहले पे अटका हूँ, तो पहले यही खा लूँ। मतलब ओट्स, नो पीनट बटर, बट प्रोटीन, ओट्स वे प्रोटीन और थोड़ा सा एलमंड, नो पीनट बटर। ये अभी कट डाउन चल रहा है तो अपना कार्ब्स ऑलरेडी कट है, तो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम अपन ओट्स लेंगे जो कि लगभग 1.5 स्कूप आता है, 32 और ये आधा, चलो 2 ग्राम डिस्काउंट। और साथ में अपन लेंगे एटम का वे प्रोटीन जो कि आता है एंजाइम ब्लेंड के साथ, और इस बार अपने को मिला है पूरे टब में। ये है 1.8 kg का टब, इसको पहले इसमें डालते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लूँगा 1.5, मतलब समझ जाओ, और ये 1/2 स्कूप, और साथ ही में थोड़े एलिमेंट्स, मतलब 10 एलिमेंट्स। अब इसको मिक्स करते हैं, ज़रा इसको बनाते हैं अपन, और तब तक इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अपना पहला मील तैयार हो गया, अब इसको अपन खाएंगे और जिम के लिए निकलेंगे, बट उससे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है एज इट इज का एटम वे प्रोटीन विद एंजाइम ब्लेंड, जो कि एक ब्लेंड प्रोटीन है विद वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट के साथ, जिसकी एक सर्विंग में आपको मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 5.7 ग्राम ऑफ PCAA, 12.2 ग्राम ऑफ EAA एंड 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूटामाइन। अभी इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, ये वाले प्रोटीन के बारे में बहुत लोगों ने खरीदा भी है और बहुत लोगों को अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं, पर इस बार इसमें ऐसा क्या है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बार ये कंटेनर में आ रहा है, 1.8 केजी के कंटेनर में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है और आपको इजी टू कैरी। मतलब हर बार क्या होता था कि पाउच में आता था, पाउच कभी बंद होता था कभी नहीं होता था, इस बार कंटेनर में है, एकदम टाइट कंटेनर में आता है और मुझे पसंद भी आ गया भाई। इसमें अपन खाली होने के बाद अगर अगला मैं प्रोटीन मंगाऊंगा और वो पाउच में आता है तो पाउच वाला भी मंगाता हूँ 1 किलो का, तो मैं इसमें डालकर उसको सेव कर सकता हूँ अच्छे से, और जब चाहिए मैं तब ले सकता हूँ। वैसे ये फास्ट एक्टिंग प्रोटीन है और आपको बहुत अच्छी रिकवरी देता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है, और सबसे अच्छी बात की रैपिड एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आपको ब्लोटिंग इशू होता है तो इसमें आपको वो नहीं होगा, और जब भी मैं इसको लेता हूँ मुझे कोई ऐसा ब्लोटिंग इशू नहीं होता है। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है और ये जो है हैवी मेटल टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है और ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी। तो आप भी ऑर्डर कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट करना, और एक्स्ट्रा 5% के लिए आपको पता है क्या करना है, वसीम्स एज इट इज ये कूपन कोड आप डालो, आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैं वो मील खाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, और अपन सबसे पहला काम जिम जाकर करने वाले हैं, मेरी कंडीशनिंग चेक करेंगे आज, और आपको मैं दिखाऊंगा कैसा दिख रहा हूँ, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे भाई कि मैं 10 दिन में रेडी हो पाऊंगा कि नहीं। यस, वो तो सर से मिल के बात करेंगे। हम लोग आ गए जिम में और आज वर्कआउट है हम लोग का शोल्डर, तो जो सरप्राइज मिला था मेरे को सर से, 10 दिन में कंपटीशन है, रेडी हो जाओ, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? 10 दिन में जो मेरे को शौक दिए, 10 दिन में कंपटीशन है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 10 दिन में रेडी होना है, बेस्ट।
ऑलमोस्ट यू आर रेडी, ऑलमोस्ट रेडी ना। अभी अर्ली स्टार्ट करेंगे तो कंडीशन डे बाई डे बेटर होगा। हम लोग इतना जल्दी चालू कर रहे हैं ताकि आगे और बहुत सारी कॉम्पिटिशन है तो इनको पता चले कि पहली बार खेल रहे हैं तो कैसे होता है, क्योंकि अभी थोड़े लाइट ही ले रहे हैं आराम से। न्यूयॉर्क को कुछ पता ही नहीं है कि क्या कितना कंट्रोल करना है, क्या करना है, तो अभी से एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मेन जो कंपटीशन है नेक्स्ट मंथ, उसमें ज़्यादा अच्छे से करता है। तो अभी पहला एक्सरसाइज हो गया हम लोग का श्रक्स, अभी दूसरा हम लोग केबल से ले रहे हैं श्रक्स, उसके बाद में फिर हम लोग गेयर ड्रिल्स बाकी लैटरल वैटरल चालू करेंगे। आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माइक लाना भूल गया। अगर माइक लेके आता तो आज और अच्छे से ब्लॉग शूट होता वर्कआउट का। अभी तो सिर्फ हम लोग ने सिर्फ वर्कआउट वीडियो ही ले लिया, बिकॉज हम लोग कुछ भी बोलने जा रहे तो पीछे इतना लाउड म्यूजिक था और भाई कॉपीराइट से बेटर है कि जाने दो। तो बेसिकली सर ने क्या बोला कि अभी डाइट में चेंजेस होगा और ओट्स जितने भी है ना तो अभी कैलरीज कम करनी, तो ओट्स ज़्यादा हाई कैलरी वाले जो कार्ब्स थे वो कम करके अभी स्वीट पोटैटो पे चले जाओ, और वो भी कम है एक्चुअली। समझ रहा हूँ, चिकन बढ़ गया, प्रोटीन मेरा अराउंड 250 से 300 के बीच में है, कार्ब्स मेरा 60-70-80 इतना ही है, फैट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बस अभी एकदम लो कार्ब पे, हालत ख़राब होने वाली है।